यहाँ के विपक्ष लोग पच नहीं रहा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री यहाँ के हम लोग प्रधानमंत्री चुनते लोग सांसद चुनते होंगे। नॉनवेज खाने वाले नॉनवेज जानेंगे, काशी के गौरव को क्या जाने, ये क्या जानेंगे काशी गौरव को जो नॉनवेज खाते हैं, गौ मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, मीट खाते हैं, ससुर खाते हैं, ये लोग क्या जानेंगे। ये लालू यादव की पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे कि मछली हिंदुवादी है, ये अपना गठबंधन तोड़े उधर स्टालिन के परिवार से, उनका लड़का बोला था हिंदू के लोग बोलते हैं आपकी बात 405 इसे मोदी जी ने जितना किया है इसीलिए हम लोग मोदी जी के लिए हर जगह, इसलिए मोदी जी जय श्री राम हो रहा है। लॉकडाउन में जो इतना जो हम लोग को राशन पानी कौन दिया, मोदी जी ने दिया और कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं किया। ये केवल माहौल बना रहे हैं, इनको कोई डाटा नहीं है, महंगाई का कोई डाटा नहीं होगा, बेरोजगारी का कोई डाटा नहीं होगा। मैं बताता हूँ 2014 में बेरोजगारी दर क्या थी अगर ये खुद देखें, और 2024 में बेरोजगारी दर क्या है। आपको 24 में क्या लगता है कौन क्या होगा? सर होना क्या है, काम किया है लोग मोदी जी को वोट कर रहे हैं। आप इस केवल हाल पे पूछ लो, आदमी आपको बता देगा। 400 पार होने वाला, 400 पार 4 तारीख को 4 बजे 40 तरह की मिठाइयां लेके 40,000 लोगों के बीच यहां हम 400 पार का नारा देंगे और हम जीत के बताएंगे कि हम माताओं बहनों के खाते में 1,00,000 रुपया रक्षाबंधन में बड़ा कम करके बोल रही है। नौकरी की कोई सीमा होती है? सरकारी नौकरी दे देंगे मतलब कमाल की बात कर रहे हैं। ये तो ऐसी बात हो गई, मतलब 1 करोड़ नौकरी पर कोई कुछ कहना चाहता है? अमित जी 30 सेकंड। मैं कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, एक रिक्शा वाले का बच्चा IAS बन सकता है तो आपके बच्चे क्यों नहीं, हर बार नौकरी नौकरी नौकरी, तो आप पढ़ाओ बच्चों को, बच्चा आगे खुद निकलेगा। और मोदी शेर है, शेर झुंड में नहीं चलता है, शेर अकेला चलता है। वाह वाह वाह, जी 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 जी, मोदी मोदी, नारे नहीं कुछ बोले भी सही, नारे लगा रहे हैं। ये तो भक्त है, इंडिया से भक्त है, आप वो कह रहे हैं भक्त है, भक्त नहीं है, मैं उनका सेवक हूँ, काशी का निवासी हूँ, काशी माँ गंगा नरेंद्र मोदी जी को बुलाया है। यहाँ के विपक्ष लोग पच नहीं रहा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री यहाँ के हम लोग प्रधानमंत्री चुनते लोग सांसद चुनते होंगे, काशी के लोग प्रधान। आपको कई बार बुरा नहीं लगता बात विकास की होनी चाहिए, बात मटन की हो रही है, मछली होनी मछली की हो रही है? नॉनवेज खाने वाले नॉनवेज जानेंगे, काशी के गौरव को क्या जाने, ये क्या जानेंगे काशी गौरव को जो नॉनवेज खाते हैं, गौ मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, मीट खाते हैं, ससुर खाते हैं, ये लोग क्या जानेंगे काशी के वासी के बारे में। मत क्या कह रहे, क्या कह रहे, सुनिए, 4 तारीख के बाद मटन बनाने का नया बिजनेस शुरू करने वाले, ऐसा है क्या जनता, ऐसी कोई प्लानिंग है क्या? 4 जून के बाद मटन बनाने का काम शुरू करेंगे? हमने मंगलसूत्र छीनने की और मुजरे पर बात नहीं की, नौकरी देने की बात की और नौकरी देकर दिखाया। 900 पार इनको शांत कर रही है पहले। ये लालू यादव की पार्टी की प्रवक्ता बोल रहे की मछली हिंदुवादी है, ये अपना गठबंधन तोड़े उधर स्टालिन के परिवार से, उनका लड़का बोला था इनके लोग बोलते हैं मानस को गाली देते हैं, रसिया में और चाइना में सरकार के मंत्री को मानस को गाली देते हैं उनको। ठीक 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 ठीक, हाँ माता जी, अरे आप कुछ कहना चाह रही हैं? करिए। आपकी बात 405 405 क्यों 405 खड़े होके बोलिए। अब 405 इसे मोदी जी ने जितना किया है इसीलिए हम लोग मोदी जी के लिए। क्या किया है मोदी जी? मोदी जी हमारे बनारस के लिए बहुत किया है, मतलब बहुत देश के लिए किया है कि नहीं किया? देश के लिए भी किया है मोदी जी हर जगह, इसलिए मोदी जी जय श्री राम हो रहा है। लॉकडाउन में जो इतना जो हम लोग को राशन पानी कौन दिया, मोदी जी ने दिया और कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं किया। हम पार्टी नहीं है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अब महंगाई की बात कर रहे हैं तो जरा ये बता दीजिए आज महंगाई दर कितनी है? अभी महंगाई दर कितनी है, कितनी है महंगाई दर? और 2000 महंगाई 2013 में 2012 में कितनी महंगाई थी? 7% पेट्रोल, पेट्रोल कितना है कीमत, सरसों तेल का कीमत क्या है, आज के दिन आलू प्याज का कीमत क्या है, गरीबों का थाली थाली देखा? इनसे मत उलझिए, दाल और सब्जी गायब है थाली से। ये केवल माहौल बना रहे हैं, इनको कोई डाटा नहीं है, महंगाई का कोई डाटा नहीं होगा, बेरोजगारी का कोई डाटा नहीं होगा। मैं बताता हूँ 2014 में बेरोजगारी दर क्या थी अगर ये खुद देखें, और 2024 में बेरोजगारी दर क्या है? आपको 24 में क्या लगता है कौन क्या होगा? सर होना क्या है, काम किया है लोग मोदी जी को वोट कर रहे हैं। आप इस केवल घाट में पूछ लो, आदमी आपको बता देगा। अगर आप 400 पार होने वाला, 400 पार ये 4 तारीख को 4 बजे 40 तरह की मिठाइयां लेके 40,000 लोगों के बीच यहां हम 400 पार का नारा देंगे और हम जीत के बताएंगे कि हम 400 पार हो गए। क्या सवाल है आपका? देखिए हमारा सवाल इंडिया गठबंधन से है, हम मतदाता के रूप में ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने प्री पोल गठबंधन किया है और सारी पार्टियां अलग अलग घोषणा पत्र जारी कर रही हैं, हम इनके ऊपर कैसे विश्वास करें जब इनके ऊपर आंतरिक विश्वास एक एक पब्लिक के अंदर भाटी जी विश्वास की कमी है। और ये बंगाल से लेकर
ओडिशा तक हमने देखा, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक हमने देखा, सबके मन में, मतदाता के एक मन में एक डाउट है कि आप लोग ये मिलीजुली खिचड़ी चलाएंगे कैसे। अब देखिए ममता जी अभी से कह रही है कि मैं बाहर से आऊंगी, इस सरकार के अंदर कांग्रेस बीजेपी के साथ मिली हुई है, कांग्रेस बीजेपी किससे पैसे खा रही है, ये ममता दीदी कह रही है। तो बहन ने भी इधर से यही सवाल उठाया था, शेर अकेला चलता है, भाई भी उठा रहे हैं। शायद आपको जानकारी नहीं है कि हमारे साथ इंडिया गठबंधन में 18 पार्टियां शामिल हैं और मोदी जी के साथ 41 पार्टियां शामिल हैं। जब 41 पार्टियों का गठबंधन सरकार चला सकता है तो 18 पार्टियों के क्यों नहीं चला सकता? आप विश्वास करिए तो कि चार प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यही सवाल है ना? प्रधानमंत्री बनेगा कौन ये तो बताओ। वो तो हम 4 जून को रिजल्ट आने के बाद बैठ के तय करेंगे। मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूं अमीश जी, 4 जून को इनकी जीत होगी हार होगी ये प्रश्न ही नहीं है। दो चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज है बिहार में राजद के लिए कि पिछली बार 0 सीटें आई थी, इस बार 1 सीट ला पाते हैं कि नहीं। और दूसरा चैलेंज है कांग्रेस पार्टी के लिए इस देश में कि जीत हार के विषय में सोचना छोड़ दीजिए। देश में आप विपक्ष के नेता की कुर्सी 10% सीटें हासिल करके अगर ले आते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम समझेंगे कि शायद आपका राजनीतिक अस्तित्व तो कुछ जिंदा है। कांग्रेस पार्टी के पास इतनी क्षमता नहीं कि विपक्ष के नेता की कुर्सी हासिल कर सके। और बातें इतनी बड़ी बड़ी, दावे इतने बड़े बड़े, अभी इंडिया अलायंस के समन्वय की बात हो रही थी, दीदी ने क्या कहा कांग्रेस पार्टी के विषय में आपने सुना है? जी जी जी। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने पंजाब में क्या कहा कांग्रेस पार्टी के विषय में आपने सुना है? ये सब पुराने दावे इतने बड़े बड़े हैं। देखिए सिर्फ टोवल की स्थिति है, बिहार में साझा कार्यक्रम नहीं होते थे। आप किस तरफ रहेंगे? ठीक है, हम जिस तरफ रहते हैं सरकार गरीब बनती है। ममता दीदी हम जिधर रहते हैं ममता दीदी किस तरफ है? मुझे तो कादर खान की और गोविंदा की एक फिल्म याद आती है जिसमें जॉनी लीवर कहता था मैं तो आपकी तरफ। इस देश में अमीश भाई कोलिशन, आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं कि 2014 में माननीय मोदी जी जब इस बनारस के सांसद बने, इस काशी के सांसद बने, तो उन्होंने ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर बनाने का काम किया। काशी के अंदर उन्होंने 2-2 कैंसर अस्पताल बनवाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने आप देख सकते हैं कि जिस पुल को माननीय मुलायम सिंह यादव ने शिलान्यास किया था, मुलायम सिंह की सरकार चली गई, अखिलेश जी की सरकार चली गई, उस पुल को बनवाने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने वाले जो कॉरिडोर मोदी जी ने बनवाया है, 5 लाख लोग प्रतिदिन बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आते हैं। बोलो हर महादेव। यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे काशी में, तो उन्होंने 14 में कहा था मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। अब यही गंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गुजरात भेजेगी। अभी आप देखते रहिए जनता के